रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ज्ञानी मूढ़ न कोई, कोई ज्ञानी नहीं होता और कोई मूर्ख नहीं होता। भगवान जिसे जैसा जिस क्षण बना दे वो उस क्षण वैसा हो जाता है। भगवान चाहे तो गधे को भी ज्ञानी बना दे और ज्ञानी को गधा बना दे। भगवान जिस क्षण जे ही क्षण जस रघुपति करही ते ही क्षण तस होए। तो भगवान जिसे जब जैसा बनाना चाहे वैसा तब वो बन जाए, कोई ज्ञानी नहीं कोई मूर्ख नहीं, जिसे भगवान जब जैसा बना दे वो वैसा हो जाए। कोई ज्ञानी नहीं कोई मूर्ख नहीं, क्या ज्ञानी क्या मूर्ख, बड़े बड़े ज्ञानी नारद जी जैसे ज्ञानी बताओ लज गए, तो कौन ज्ञानी है। भगवान जैसे नचाते हैं हम लोग वैसे नाचते हैं, सब ही नचावत राम गोसाई। आप ये समझ लो कि जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है। हर हाल में प्रसन्न रहना सीखो। जो आप लोग अपनी अपनी मर्जी चलाते रहते हैं ना, अरे हमारे मन का नहीं हुआ, तुम्हारे बाप के भी मन का कभी नहीं हुआ, तुम्हारे दादा परदादा के भी मन का कभी नहीं हुआ, और तुम भी कह रहे हो हमारे मन का। आज तक बताओ किसी के मन का कुछ होता है, होता है तो बताओ किसके मन का होता, बोलो मेरी माँ मैया, बोलो जय श्री मन्नारायण, बताओ किसके मन का होता है। भगवान की हुई है सोई जो राम रची राखा, जो भगवान के मन का होगा वही होगा। जब उनके ही मन का होना है तो अपने मन का चलाओ क्यों, इसलिए भगवान के मन का होने दो। हे प्रभु जो आपकी इच्छा है वो आप कीजिए, हम तो राम नाम का मन का घुमाए, राम नाम का मन का, ये मन का, ये कृष्ण, ये क्या इसको बोलते हैं मन का, एक मन का दो मन का तीन मन का चार मन का, एक मोती जब हम एक माला खिसकाते हैं ना इसको मन का बोलते हैं। तो हम किसके मन का जपें, राम सीता राम सीता राम सीता राम, ये राम के मन का है, राम नाम का मन का। तो जब राम नाम की मन की होनी है, राम के मन की होनी है, तो हम अपने मन को परेशान क्यों करें। आपके मन की कुछ होनी ही नहीं है तो परेशान क्यों करते हो। अपने मन को केवल भगवान के चरणों में लगाओ और जो होगा जो हो रहा है जो हुआ सब कुछ किसके मन का हुआ। आपकी बहू के बेटा हो गया आपके मन से कि भगवान के मन से, आपकी बहू के बेटी हो गई किसके मन से, आपके मन से या भगवान के मन से, आपको नुकसान हो गया आपके मन से या भगवान के मन से, आपको फायदा हो गया आपके मन से या भगवान के मन से। यदि आपके मन से होता तो आप में से कोई नहीं चाहता कि हमारा नुकसान हो, लेकिन हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस सब भगवान के हाथ में है। इसलिए जो भगवान के हाथ में है वो भगवान के हाथ में रहकर उन्हें करने दो। अच्छा फिर ये बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है, जोर से तुम्हारे हाथ में क्या है बोलो, है कुछ मैया, ओ मेरी माँ आप बताओ आपके हाथ में कुछ है, सही बताना मजाक ना करना बिल्कुल, आपके हाथ में क्या है, कुछ नहीं। एक चीज हमारे हाथ में है बताओ क्या, हाँ हे प्रभु सब आपके हाथ में है, मेरी हानि मेरा लाभ मेरा जन्म मेरी मृत्यु मेरा सुख मेरा दुख सब ईश्वर के हाथ में है। तुम कितना भी प्रयास कर लो लेकिन तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, बस एक चीज हमारे हाथ में है बताओ क्या, एक चीज हमारे हाथ में है और वो ये है कि ईश्वर जो कर रहे हैं उसके मर्जी में अपनी मर्जी मिला देना और अपनी मर्जी मिलाकर सदा हर हाल में प्रसन्न रहना। ये तो अपने हाथ में है कि जो हो रहा है उसमें ईश्वर की मर्जी में अपनी मर्जी मानकर और हर हाल में क्या रहें, जोर से
खुश रहें, हर हाल में मुस्कुराते रहें। बाकी जो हो रहा है तो होगा क्या, अभी बताओ। सर्दी चली गई और गर्मी आ गई, तो आपके मन से गर्मी आई कि हमारे मन से? हाँ, और गर्मी के बाद बारिश आएगी तो किसके मन से? अच्छा, आपके बुखार हो गया किसके मन से? आप बूढ़े हो गए किसके मन से? आपका मन है, आपका मन है तो बहुत चंचल, बहुत कुछ चाहता है लेकिन इसे मिलता कुछ नहीं है, इसकी चलती नहीं है, इसलिए चलाओ भी मत। हर हाल में भगवान इतने करुणामय है कि यदि भक्त अपने मन को, तुम्हारे मन का कुछ भी नहीं होना, इसलिए मन तुम्हारा खाली करो सब जगह से और अपने मन को प्रभु के चरणों में डाल दो, फिर देखो भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। भगवान का भक्त आगे आगे, भक्त जहाँ एक पग धरे तहाँ धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान कहते हैं तुम्हारे मन को बिल्कुल मैंने खाली रखा है, कुछ नहीं होना तुम्हारे मन का, इसलिए घुमा फिरा के ले आओ और भगवान के चरणों में मन को लगाओ, और मन को लगाओगे तो फिर भगवान वही वही करेंगे जो आप चाहते हैं। बस आप एक बार भगवान के पीछे हो जाओ, एक बार अपने मन को समर्पित कर दो। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन ने समर्पण किया तो भगवान ने अर्जुन का रथ पकड़ लिया ना, और जहां जहां अर्जुन कहते हैं वहां वहां भगवान उस रथ को लेकर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हारी गाड़ी चलाऊंगा, तुम एक बार मेरे बन तो जाओ, एक बार मेरे हो तो जाओ, मेरे होकर तो देखो। तुम मेरे होते ही नहीं हो। भगवान क्या खाते हैं? अभिमान। इसलिए आप क्या नहीं करेंगे? कभी अभिमान ना करना, वरना भगवान अभिमान खा जाते हैं।